ना वन प्लस यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहा है जिससे कि हाइप बने और लोग इसके फोकस करें डिजाइन पे और लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट पे, जबकि रियलिटी ये है कि उन्होंने इस स्मार्टफोन में ब्लोटवेयर प्रोवाइड किया है जो कि फर्स्ट टाइम है किसी भी स्मार्टफोन में वन प्लस के 30,000 के अबव में, जिसकी वजह से क्या कि ब्लोटवेयर कोई प्रॉब्लम वाली चीज तो नहीं है लेकिन इससे ट्रस्ट इश्यू जरूर क्रिएट होता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल रहा है लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये रियलमी GT60 ही है लेकिन इसमें काफी सारे कट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि रियलमी GT60 की डिस्प्ले आपको ज्यादा ब्राइटर देखने को मिलती है, उसकी ब्राइटनेस क्लोजर टू 2008 से मैं यहाँ पे HBM की बात कर रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल होती है यहाँ पे, और यहाँ पे OnePlus Note 4 की जो ब्राइटनेस है वो क्लोजर टू 1100 nits है, और क्योंकि Realme GT60 काफी ज्यादा क्लोजर देखने को मिल रहा है OnePlus Note 4 के कंपैरिजन में, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि Note 4 लोग खरीदे उसमें आपको बेटर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल रहा है और दूसरा इसमें आपको TUV का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से इसकी स्मूथनेस बरकरार रहेगी 6 years के लिए। OnePlus Note 4 में आपको बेटर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल रहा है या फिर बेटर UI एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है वो टोटल जस्टिफाई करता है कि आपको Realme GT60 नहीं खरीदना चाहिए, यहाँ पे आपको जाना चाहिए OnePlus Note 4 के ही साथ। इसमें Snapdragon 7 Plus Gen 3 देखने को मिलता है जिसका Antutu स्कोर क्लोज टू 1.1 मिलियन है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो इससे बेटर प्राइस रेंज में आपको बेटर स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि Poco F6 क्लोज टू 28,000 में आपको LPDDR5X RAM UFS 4.2 के साथ मिल जाता है, जबकि अगर इसका आप बेटर वेरिएंट लेने जाओगे तो वो 33,000 कॉस्ट करता है जो कि iQOO 9 Pro के क्लोजर चला जाता है, जबकि iQOO 9 Pro का कैमरा इससे बेटर है क्योंकि इसमें आपको Lytia 600 देखने को मिल जाता है जो कि 20,000 में भी सेंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि इसकी जो फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी होगा वो इतना बेटर नहीं होने वाला, iQOO 9 Pro काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर लेगा, गेमिंग एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली इससे बेटर ही होगा। तो मेरे हिसाब से आपको अगर इसके हाइयर वेरियंट के साथ जाना चाहते हो तो उस टाइम पे iQOO 9 Pro काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन मैं कैमरा के लिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस प्राइस रेंज में काफी सारे स्मार्टफोन है जो कि काफी अच्छे फोटोज और वीडियोस ले लेते हैं, जबकि अगर आप iQOO 9 Pro में जाना चाहते हो तो मेरे को लगता है कि उसमें बेटर सेंसर है तो थोड़े से बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको सोनी लिटिया 600 देखने को मिलता है जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि मैंने पहले भी बताया था कि 20,000 में देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपको 1080p 60fps पे वर्क करते हुए दिखता है वीडियोस में, अदरवाइज इसमें 4K का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल जाता है जिससे आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे आप वायरलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है जिससे आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसमें आपको सभी 5G बैंड्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है OnePlus Note 4 के साथ। अब समझ लेते हैं कि किन लोगों को ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, तो अगर आप स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो गेमिंग के लिए तो उस टाइम पे आपके लिए बेटर ऑप्शन अवेलेबल है Poco F6 या फिर iQOO 9 Pro का, अगर आप स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो कैमरास के लिए तो उस टाइम पे भी आपके लिए बेटर स्मार्टफोन या फिर कंपैरिजन वीडियोस देखना पड़ेगा जहां पे आपको डेडिकेटेड देखने को मिलेगा कि कैसा कैमरा परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे आप देख सकते हो iQOO का जो 9 Pro है उसके साथ या फिर आपको Realme GT60 के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेना चाहिए। इसके अलावा आपको Motorola का जो H50 Fusion वगैरह देखने को मिलता है उसके साथ आपको कंपैरिजन देखना चाहिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सा बेटर कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूज़ केस नहीं है, आप नॉर्मली ऐसे ही टारगेट कर रहे हो, कभी गेमिंग कर लेते हो, फोटोज़ वगैरह या फिर वीडियोज़ भी ऐसे ही कैजुअली रिकॉर्ड कर लेते हो, उस टाइम पे आप खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, इट्स अ गुड स्मार्टफोन। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ें भी देखने को मिलती है कभी कभी, तो वो समझ में नहीं आता कि इसका यहाँ पे यूज़ क्या है, किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया, उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा।